जो आज भैया ने एक्सपीरियंस किया, मतलब जो इनके स्कूल टाइम में एक्सपीरियंस किया अजमेर में, राजस्थान में, इनके साथ जो घटा वो आज मायो स्कूल में जो घटा वो आज ये बताने जा रहे हैं। तो भैया कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या था? ये बात है आज से 4 साल पुरानी, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में रह रहा था उस समय, और मेरे क्लासमेट्स भी थे काफी वहाँ पर। अच्छा। तो एक हॉस्टल हुआ करता था जहाँ पर हम थे, वो थोड़ा कॉलेज से हटकर था, मतलब अलग है ना, अलग ही एक पार्ट था, कॉलेज का पार्ट नहीं था वो, है ना। तो वहाँ पर जब हम लोग रहते थे, एक फ्रेंड था मेरा, फ्रेंड था है ना, उसका नाम आशु था, आशु नाम था फ्रेंड का। तो वो काफी मतलब पहले से वीक था और लगता भी ऐसा था, सूखा सा था। वो एक दिन रात को बाहर घूम रहा था, हॉस्टल के अंदर से रूम से देख रहे थे हम अपना। अच्छा। कि ये कौन है, हमने देखा आशु है। तो वो अपने आप ही मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, लेकिन जब वो रिटर्न आया तो मैं वॉशरूम से निकला था है ना। अच्छा। फिर ये चलता रहा आगे, इसने मुझे पीछे नोटिस भी नहीं करा, देखा भी नहीं, ये वहाँ भी बात करते हुए जा रहा था। तो मैंने इसका पीछा करा और रूम तक गया, इसके रूम के बाहर इसने गेट बंद कर लिया, मैं सुनता रहा बात, ये अंदर भी बात कर रहा था कुछ। तो मतलब काफी ऐसा लगने लगा, फिर मैंने आकर अपने फ्रेंड्स को बताया, यार पागल वागल तो नहीं थोड़ा? तो बोले कि नहीं यार, आज तक हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। फिर हम लोग दोबारा उसके रूम के बाहर गए। अच्छा। थोड़ा देखने लगे तो अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा था वो, पता नहीं क्या हो रहा था, समझ में नहीं आया, डोर लॉक था अंदर से। तो फिर एक फ्रेंड ने उसे कॉल भी लगाया अंदर। अच्छा। कॉल भी पिकअप नहीं हुआ हमारा, तो हमने सोचा यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। फिर जो गार्ड था हमारा बाहर हॉस्टल का, हमने उसे बताया जल्दी में, छोटे तो थे ही हम, थोड़ा अजीब सा लगने लगा, ये क्या हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए। तो हमने उसको बोला कि चलो यार देखना अंदर कुछ ऐसा हो रहा है। तो बोला ऐसे कैसे हो जाए, चलते हैं। देखा हमने तो उसको भी आवाज आने लगी सेम वही सब। तो वो भी शॉक्ड, मतलब ऐसी डरावनी सी आवाज निकाल रहा था वो, कि शायद किसी के बस में है वो, किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा है, ये बोल ये चिल्ला वो कर ही रहा था वो। अच्छा। तो रात का समय था, हम भी लोग भी डरने लगे कि भाई 10:30-11 बज गए हमें, ये सब होते होते मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा था वो कि जो सबको ऑड लगे। तो उसने बोला कि मैं की लेकर आता हूँ, गार्ड ने मेरे पास डुप्लीकेट की है इस रूम की, मैं लेकर आता हूँ। अब वो लेकर आया, जब लेकर आया वो तो उसे 7-8 मिनट लग गए लेके आने में। तो हम लोग भी सोचने लगे ये कहाँ रह गए भाई। अच्छा। हम उसे देखने गए जहाँ पे वो बैठता था वहाँ कोई था ही नहीं। वो वेट करा हमने 1-2 मिनट 3 मिनट, जब हम हार कर उसके रूम के बाहर पहुंचे अपने फ्रेंड के आशु के, तब वो वहाँ पर आ गया। वो हमने पूछा इतनी देर कहाँ रह गए, बोले यहीं तक गया था, वो मिल नहीं रही थी चाबी डुप्लीकेट की। ठीक है, बोला चलो देखते हैं, आओ खोलते हैं। हमने रूम खोला ना, वो भाई साहब तो बेहोश था, बेहोश पड़ा हुआ था बेड पर। अच्छा। आशु बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ, बिल्कुल बेहोश। तो हमने देखा यार कि अभी आवाज किसकी आ रही थी, फिर हमें ये वो बेहोश। तो हमने उसे उठाया 2-3 बार, टैप करके नहीं उठा वो। तो फिर गार्ड ने थोड़ा चिल्लाकर बोला ओए उठ, तो वो उठा वो। उठा तो एकदम घबराया हुआ था। हमने पूछा भाई अभी आवाज कौन निकाल रहा था तेरे रूम से, बोला नहीं तो मैं तो सो रहा था अभी, वॉशरूम होकर आया था, सो चुका था। भाई हम तेरा पीछा कर रहे थे, तू मन में भी बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, अभी तेरे रूम से भी आवाज काफी ऐसी आ रही थी, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सो रहा था। तो हम ठीक है चले गए, लेकिन हमारे मन में डाउट रहा, कुछ तो था। फिर ठीक है, रात गुजरी, सुबह हो गई, सुबह हमने अपने क्लास भी ली। क्लास में भी हमने शेयर करा एक दूसरे से, फ्रेंड से, काफी फ्रेंड्स को पता लगी। तो बोले आज रात को देखते हम कि होता क्या है रियल में। तो उसमें से हमने एक फ्रेंड ने प्लानिंग बनाई कि हम उसके रूम में एक जना रुकेगा, मतलब चुपचाप से उसके रूम में जाके बैठ जाएगा, जाकर बैठ जाएगा, वो इसको रिकॉर्ड करेगा फोन से कि ये करता क्या है ना। अब वो बंदा एक फ्रेंड था जो हमारा, वो फोन लेके वो काफी एक्टिव था इस चीजों में। तो वो गया, वो उसको हमने छुप, जैसे वो वॉशरूम गया आशु, हमने उसको अंदर भेज दिया कि जा तू छुप जा, छुप जा, और कोई भी दिक्कत हो या कोई भी गलत चीज दिखे तो तू हमें कॉल कर ले। मतलब जो दूसरा बंदा था उसने इतनी हिम्मत करके उस रूम में चला गया। ठीक है, वो बोला कि कोई भी अगर कोई एक्टिविटी अगर गलत हुई तो मैं रिकॉर्ड करने के बजाय आपको कॉल कर लूंगा और रिकॉर्ड तो होता रहेगा। ठीक है, तो उसको हमने अंदर भेज दिया। अब वो वॉशरूम से ऊपर आया, हम लोग सब छुप गए अपने अपने रूम से, वापस चले गए एक तरीके से। अब वो थोड़ी देर बाद वो लड़का तो अंदर था ही, दोबारा वो सब आवाजें आने लगी, हम उसके डोर पर खड़े हुए थे और वो भी अंदर है। ठीक है, वो भी अंदर है उसकी। अब हमने सोचा कि हम उसे कॉल करेंगे तो फोन उसका रिंग करेगा, तो वो हो सकता है कुछ गलत नहीं हो जाए उसके साथ भी ऐसा। तो उसे आपको साइलेंट करके भेजना चाहिए था ना, साइलेंट करके भेजा, लेकिन वही है ना कि वो वीडियो भी तो रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पर। हमारा फोन पिकअप भी करेगा, उठाएगा, नहीं बोल पाएगा, सामने उसको आवाज आई जाएगी ना, उसको कुछ गलत ना कर दे। सही बात है, इसलिए हम
कॉल तो नहीं करा हमने, अब वो एक्टिविटी होती रही ना अंदर से, हमारे पास कोई कॉल आया है ना, हो सकता है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हो शायद अंदर जो हो रहा है। फिर कम से कम 30-35 मिनट के बाद हमारा एक फ्रेंड बोला कि यार अब बहुत देर हो गई, अब चलते हैं यार, देखें कुछ गलत ना हो जाए कहीं दोनों के साथ में, भाई दोनों फ्रेंड अंदर हैं है ना। तो हम लोग अंदर गए, डुप्लीकेट चाबी हमने गार्ड से ले रखी थी है ना, वो उस दिन छुट्टी पर था वो आया नहीं था, तो उसने हमें चाबी दे दी थी रात को ही है ना, हमने मांग ली थी कि हम कल देखते हैं क्या होता है। और हम गए अंदर, अंदर खोलकर देखा तो भाई ऐसा व्यू था ना कि मतलब हमें से एक फ्रेंड तो बेहोश हो गया उसे देख कर कि ये हो क्या रहा है। जो आशु फ्रेंड था वो बिल्कुल हवा में बिल्कुल हवा में था, वो ऐसा लग रहा था किसी नेगेटिव एनर्जी से पकड़ रखा है। भाई भाई हमारे रोंगटे खड़े हो गए, दो फ्रेंड तो भाई साहब मेरे गुस्से में पागल हो गए, दो फ्रेंड तो वहां से भागे और जो हम दो एक और था मेरे साथ, हम दोनों हिम्मत करके वहां खड़े रहे। लेकिन हमने देखा फिर उससे पूछे हमने जो हमारा फ्रेंड गया हुआ था अंदर छुपे से, तो बोला कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है वो क्या रहा था। फोन हमने चेक करा, बोला फोन तो कैमरा ऑन था, फोन में भी कुछ नहीं आया, फोन ब्लैंक एकदम, फोन ब्लैंक रिकॉर्ड हुआ लेकिन उसमें वो सीन ही नहीं था ना, आशु दिख रहा था जो हवा में था, जो हमने देखा उसे कोई भी उसमें नेगेटिव एक्टिविटी मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई। तुम्हें जो रिकॉर्ड करने के बाद देखना चाहिए था वो तुमने अपनी आंखों से पहले ही देख लिया, देख लिया वो हवा में, और वो होश में आया जो फ्रंट रिकॉर्डिंग कर रहा था उसने देखा वो भी बेहोश, ये क्या हो रहा है भाई, वो हवा में था। अब हम में से एक फ्रेंड गया दोबारा बुलाने के लिए, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई चलो जल्दी क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो गया मैं अकेला बचा वहां पर, मैं अकेला बचा तो मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था, और लग रहा था वो सीन, और लगने के वजह से मैं भी थोड़ा बाहर आ गया, डोर को मैंने भेड़ गया और मैं बाहर आ गया। मुझे भी लगा कि जैसे कोई एक्टिविटी होगी मैं भगूंगा साला सीधा है ना, रुकने का इरादा था नहीं मेरा बिल्कुल भी। तो भाई साहब कुछ देर के बाद जैसे वो फ्रेंड आया प्रिंसिपल को बुलाकर, वो जगह बकायदा हमने आत्मा देखी ऐसी, वो जो किसी लड़की की थी और उसके खुले हुए बाल थे और फेस पूरा बर्निंग था, पूरा जला हुआ था, जला हुआ था, रेड आईज हो रही थी उसकी। प्रिंसिपल भी शॉक, उसने तुरंत सब हम लड़कों को बाहर निकाला और रूम बंद करा और सीधे अपने उसमें ले गया ऑफिस में प्रिंसिपल। तो हम सब लोग उस पर गुस्सा हुआ कि आप ये क्या था, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, हम लोग कल अपने मम्मी पापा को बुलाएंगे और इसको खड़े कराएंगे हॉस्टल को, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, सेफ नहीं है ये हम लोगों के लिए, किसी के लिए। सब हम डर चुके थे बड़ी बुरी तरीके से। उसने बोला किसी ने भी अगर अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करा मैं तुरंत रेस्टिकेट कर लूँगा कॉलेज से और तुरंत बाहर निकाल दूंगा। मतलब बोला जाओ अपने अपने रूम्स में और कोई बाहर नहीं निकलेगा, और आशु को जो तुम ले जाओ और अपने साथ रखोगे, उस रूम में कोई नहीं जाएगा। मतलब तुम्हारे साथ आशु है ना, आशु रहा। अब मुझे डर लग रहा, मैंने क्या बोल दिया यार, इसने क्या करें, कहीं ऐसा नहीं हुआ मैं मेरे रूम में भी आया आशु के पीछे पीछे। मैं बार डरने लगा पर हिम्मत करके हम सो गए वहाँ पर। और कोई एक्टिविटी नहीं हुई, सुबह तक हम उठ गए, कोई इशू नहीं है। सुबह जब हम उठे तो हम सारे फ्रेंड्स ने क्लास अटेंड नहीं करी किसी ने भी, हम इतना रात को डर चुके थे। अब हमने एक अपने पर्सनल रूम में मेरे रूम में बैठ कर हमने बोला कि हम प्रिंसिपल का भांडा फोड़ेंगे कैसे भी करके, ये क्यों हुआ, कुछ तो गलत है यहाँ, हमारी जान खतरे में, खतरे भी कल को कुछ हो सकता है। तो हमने पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म नहीं करा, हमने सीधे प्रिंसिपल को टॉर्चर करा कि हम आपको दोबारा वार्न कर रहे हैं, अब हम उन्हें पेरेंट्स को नहीं सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर कुछ है, नहीं तो आप हमें सच बताइए कि वो क्या था जो हमने देखा। तो फिर उसने बहुत प्रेशराइज के बाद उसने हमें बताया कि बेटा चलो मैं बताता हूँ सबको, लेकिन आप किसी को बाहर ये सब नहीं बताओगे और आप कॉलेज छोड़ के जाना चाहते हो आप चले जाना, लेकिन बाहर आप ये रीज़न नहीं बोलोगे कि हमने ये सब देखा देखा। तो हमने कहा ठीक है हमें मंजूर है, आप बताइए हुआ क्या था यहाँ। तो उसने बताया कि मेरा एक लड़का था जो अब तो बाहर रहता है, काफ़ी बड़ा हो चुका है ना, वो बाहर पढ़ाई कर रहा है, मैंने उसको भेज दिया था। वो इतना बदमाश था तो मतलब वो हर लड़की के पीछे पड़ा रहता था वो। मैंने काफ़ी बार उसको समझाया, डांटा, काफ़ी कंप्लेंट आई स्टूडेंट्स की मेरे पास, लेकिन मैं उसको समझाता रहा हर बार क्योंकि मेरा लड़का था। अब उसने ना जाने एक दिन क्या करा, अनजाने में उसने एक लड़की को जान से मार दिया। उसके साथ में दो तीन लड़के और थे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा कि अरे सर इसने ऐसे ऐसा कर दिया है, और हम लोग भी इसके सपोर्ट में थे उस टाइम, लेकिन अब हमें बड़ा बुरा लग रहा है, क्या करें हम, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो लोग डरने लगे। उस प्रिंसिपल ने आकर वहाँ पर मैनेज कर लड़की की बॉडी को उस रूम के नीचे गाड़ दिया था। वो वॉशरूम से सटके ही था वो रूम बिल्कुल, उसके नीचे ही गाड़ दिया था। तो वो बोला कि उस समय सब नॉर्मल हुआ, अगले दिन पुलिस आई,
और मैंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा कि आपकी लड़की मिसिंग है 2 दिन से, और वो वहाँ गई थी बाहर मार्केट वगैरह के लिए, अभी तक रिटर्न नहीं आई है वो, है ना। तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस को कुछ नहीं मिला, तो वो मिसिंग रिपोर्ट एक मिसिंग रिपोर्ट रह गई, उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ था। तो हमें वो दिखा था वो कौन है, तो उसने बोला कि वो उसी लड़की की रूह थी, इसलिए वो कॉलेज ड्रेस में बाल खुले में आज भी लोगों को दिखती है। मैं खुद अपने लड़के से परेशान हूँ, अब तो वो बाहर है, तो वो इन सब चीज़ों को छोड़ चुका है। मतलब एंड ऑफ द स्टोरी सब प्रिंसिपल का ही करामात मतलब, है ये। अगर प्रिंसिपल अपने लड़के को पहले से ही रोक लेता, हाँ। मतलब उसने उसी समय उसको बाहर भेज दिया होता उस स्कूल से, और किसी स्ट्रिक्ट स्कूल में डाला होता, हाँ। तो ये सब नहीं होता, बेचारी लड़की की जान नहीं जाती। ये सब सोचकर उस स्कूल से कॉलेज से अपने मन बना लिया कि अब यार छोड़ देंगे इसे हम। फिर अगले दिन ही हम सब लड़कों ने फ्रेंड्स से मिलकर अपने पेरेंट्स को बुला लिया और हमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, यहाँ वगैरह भी नहीं मिलता, हॉस्टल भी ठीक नहीं है, कैंटीन भी बेकार है, हमने ये सब करके पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती है, टीचर सब ऐसे हैं, हमने ये सब कर स्कूल को छोड़ दिया। हाँ गाइस, अब ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, और अगर ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।